Uh, now we are going to discuss practitioners' learning to use ICT in early childhood educational setting. Myers of the pedagogical quality in early childhood education could include an assessment of the way that educators interact with the children to promote learning. They have ICT It could be parents, it could be educators. अब हमें यह देखना है कि अगर हम आईसीटी का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हैं स्कूलों के अंदर किन्नर गार्टन के लिए अपने अर्ली चाइल्ड हुड के बच्चों के लिए तो हमें उनके इस को भी अप्रोप्रिएटली ट्रेन करना है तो हम कुछ इस को असेस करने भी ऐसे तरीके बनाएंगे कि क्या उनको आई की रिक्वायर्ड स्किल्स जो हैं वो पता हैं क्या उनको पता है कि कौन सा मटेरियल बच्चों को किस वक्त और कब तक देना है और ये कि उसके आउटकम्स क्या लेने हैं देखें टेक्नोलॉजी महज इसको यूज़ करने के लिए नहीं है यानी ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि एक तरीका है उसको यूज करना है बल्कि उसमें से हमने अपने कुछ डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स हासिल करने हैं क्या इस काबिल है कि वो लर्निंग आउटकम्स को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकें सो फिजिकल एंड मटेरियल रिसोर्स अवेलेबल इन एन अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशनल सेटिंग अगली बात हमें यह देखनी है कि आई को यूज़ करने के लिए आई को यूज़ करने के लिए हमारे क्लासरूम के अंदर प्रॉपर इक्विपमेंट मौजूद है या नहीं फैसिलिटीज़ प्रॉपर हैं कि नहीं हैं और क्या इसका का उनसे इंटरेक्शन उन इक्विपमेंट के साथ है या नहीं उनको यूज़ करना आती है सारी चीज़ें बच्चों को कैसे यूज़ करवानी है क्या ये सब उनको पता है सो so इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमारे ऑथर्स ने दी हैं और उनका मकसद ये है कि अगर एक अच्छा उस्ताद आई से इंटरेक्ट कर रहा है बच्चों के साथ तो कुछ स्टेप्स उसको फॉलो करना चाहिए गाइडलाइन फॉर जजिंग द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ आई सी टी यूज इन अर्ली चाइल्ड हुड और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वाकई आई सी टी बेहतर तरीके से क्लासरूम के अंदर यूज हो रही है तो आपको ये चीजें देखना होंगी फिजिकल एंड टेक्निकल अरेंजमेंट कंप्यूटर कहाँ पड़े हैं उनके स्विचेस कहाँ लगे हुए हैं और वो तारें बिखरी हुई तो नहीं है बैक साइड के ऊपर वो उनकी लॉजिंग है और ये कि सारे बच्चों को एक्सेस है कंप्यूटर यूज करने की चिल्ड्रन एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड अदर आईसी टूल्स तो बच्चे क्या उसको यूज कर सकते हैं समटाइम्स कंप्यूटर जो है वो बच्चे के कद से ऊंचा है कभी नीचा है कभी कुर्सी दूर है तो क्या ये सारी चीजें कंफर्टेबल हैं और ये के चीजें जो हैं वो पहले से इंस्टॉल की हुई हैं ऐसा तो नहीं कि बच्चे उसके साथ स्ट्रगल करते रहें और उनको यूज ना कर पाए सो प्लेसमेंट ऑफ कंप्यूटर इन द रूम कंप्यूटर रखना कहाँ है देखिए हमें पता है कि कंप्यूटर्स को सेफ जगह भी चाहिए वेंटिलेटेड प्लेसेस भी चाहिए लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुले तरीके से उस पर बैठ सकें कंफर्टेबली और वो अपना काम कर सकें जहाँ फिर तारें या बिजली उनके साथ उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो ताकि वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाएं क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं और वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे उनको मजीद कोई मसला हो सो टाइप ऑफ सॉफ़्टवेयर अवेलेबल कौन से सॉफ्टवेयर बच्चों को उस वक्त पहले से इंस्टॉल करके रखने हैं ताकि बच्चे उनको क्लासरूम में यूज़ कर सकें अब इसका इंतखब इस कैसे कर रहे हैं वो कितने सॉफ्टवेयर हैं जैसे मैंने अर्ज़ किया उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं कितना सिखा सकते हैं वो सॉफ्टवेयर वो कितना है कितने आउटकम्स वो उसमें से हासिल कर सकते हैं और ये कि कितनी देर तक बच्चे उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें पहले से तयशुदा होंगी प्लैंड होंगी और हमें ये जांचना होगा कि हमारे टीचर्स को इन सारी बातों की खबर है या नहीं है सो रोल ऑफ एडल्ट ड्यूरिंग यूज ऑफ आई और जब आई यूज हो रही है तो क्या एडल्ट वहां पे मौजूद हैं और वो उस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई इनरेलीवेंट मटीरियल बच्चों के सामने पेश ना हो या खास तौर पे जब वो उसको अभी तो बेसिक स्किल्स जानते हैं ना तो जब वो चलाएंगे कंप्यूटर को तो हो सकता है कोई मसाइल पेश आ जाए कंप्यूटर बंद हो रहा है गलत बटन दबा दिया है कुछ और आ गया है तो अब जब कम्पटिटिवली बच्चे बैठे हुए होंगे अपने अपने कंप्यूटर पे तो किसी एक को मसला पेश आता है अभी तो हमने देखा है कि बड़ों को भी ये मसले पेश आते हैं जब वो किसी कंप्यूटर वर्कशॉप में बैठते हैं तो तो फ़ौरी तौर पर उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है असिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो क्या हमारे एडल्ट उसको टाइमली असिस्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ें हम देखेंगे